स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फ़ोनपे के बिजनेस अकाउंट में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोनपे का बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उधर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको अलाउ करना है कुछ इस तरह से। अगर आप इस एप्लीकेशन में मर्चेंट अकाउंट आपका नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा। तो अगर आपने अभी तक मर्चेंट अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। अगर आपका पहले से मर्चेंट अकाउंट है तो आपको क्या करना, आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। इधर पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, तो चलो मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई का, तो आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आपको उस OTP को इधर पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और जैसे आप OTP डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको ऊपर एक तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्रोफाइल वाला, तो आपको क्लिक करना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, और जैसा आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसा कि आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको फोर्थ नंबर में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा मैनेज बैंक अकाउंट, तो आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप मैनेज बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जैसा कि आप देखोगे मेरा पहले से बैंक अकाउंट ऐड है। एंड मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या ऐड करना है। तो जैसे आप मैनेज बैंक अकाउंट में क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपके सामने आ जाता है, और इधर पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट का, तो आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। आप जो भी आपका बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, पेटीएम पेमेंट, एयरटेल पेमेंट, या फिर कोई भी बैंक आपका हो सकता है, या कैनरा बैंक, जो भी बैंक आपका है, तो आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। चाहो तो आप इधर से ढूंढ सकते हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट इधर से सर्च कर सकते हो। जो भी आपका बैंक है आपको उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से। उसके बाद कुछ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आने वाला, नीचे तरफ कंटिन्यू वाला क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको इस मैसेज को सेंड कर देना कुछ इस तरह से, और जैसे मैसेज सेंड करोगे एक ऑप्शन शो किया जाएगा न्यू अकाउंट का, क्लिक कर देना है ऐड न्यू अकाउंट। एंड इधर पर आपको अपने अकाउंट की पूरी डिटेल दे देना है, जैसा कि आपको फर्स्ट में अपना अकाउंट नंबर देना है, उसके बाद आपको इधर पर फिर से अकाउंट नंबर देना है, और जो भी आपका बैंक है उसका आपको IFSC कोड देना है। और इधर पर आपको अकाउंट टाइप पर सिंपल से इधर पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है आपका अकाउंट कौन सा, सेविंग है, करंट है, जो भी आपका अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरा पहले से ऐड है, तो इसलिए मेरा अब ऐड नहीं होगा, तो कुछ इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।